तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों आज का जो ये पर्टिकुलर वीडियो है ना, ये आप सभी साथियों के लिए बहुत ज्यादा खास इसलिए भी होने वाला है क्योंकि आप लोग से जुड़े हुए कुछ अति महत्वपूर्ण मुद्दे इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे जो पहला मुद्दा है ना, ये संबंधित है 33,000 शिक्षक भर्ती मांग प्लस BEd वर्सेस DEd विवाद, जो कि काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है हमारे प्रदेश के वर्तमान डेट में, और साथ ही साथ तूता जो कि वर्तमान डेट में मैदाने जंग बन चुका है। क्या है पूरी बात, इस वीडियो में अधिक डिस्कस करेंगे। साथ साथ बता दूं, देखिएगा यहाँ पर कुछ अति महत्वपूर्ण मुद्दे हमारे प्रदेश के भी चल रहे हैं जिनको लेकर जो फाइल है ना उससे रिलेटेड, वह देखिए मुख्यमंत्री आवास में पहुंच चुके हैं और किसी भी वक्त उस पर देखिए सहमति वगैरह बन सकती है। अभी कौन सा मुद्दा है, किन से जुड़ा हुआ है, आगे इस पर चर्चा करेंगे। प्लस बता दूं, देखिएगा यहाँ पर कुछ ऐसी भर्तियां भी हैं जिन पर देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह जारी हो गया है और तत्काल तुरंत नियुक्ति वगैरह भी आगे बढ़ सकती है। क्या है पूरी बात, आगे देखेंगे। साथ ही साथ एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोगों की तरफ से बार बार निकल कर आ रहा था कि सर क्या 600 पद पर हॉस्टल वार्डन भर्ती Part 2 आने वाली है, क्या है पूरी बात, कहाँ तक इसमें सच्चाई है, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से काफी डिटेल में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना है, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। बाकी वीडियो को स्टार्टिंग में छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को भर भर कर लाइक करते हुए चलना है, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलना है और शेयर करते हुए चलना है ताकि आप लोग से जुड़े हुए मुद्दे, आप लोग से जुड़े हुए बातें अपने उचित स्थान तक भी पहुंचे और उससे आप लोग का भी लाभ हो सके। तो चलिएगा इस पर्टिकुलर मुद्दे पर मैं डिस्कशन वगैरह आगे बढ़ाता हूँ। सबसे जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है ना, साइड में देखिएगा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह ओपन हो गया है जो कि निकल कर आ रहा है जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र बेमेतरा से। अब देखिए इनके द्वारा 8 अक्टूबर 2024 को सुबह के 11 बजे से दोपहर के 3 बजे तक रोजगार कार्यालय परिसर में प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से कुल मिलाकर 30 पदों पर भर्तियां ली जाएंगी। तत्काल तुरंत नियुक्ति भी मिलने वाली है और एक अच्छी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सभी साथियों को बिल्कुल देखिएगा। यदि आपको जॉब की अति आवश्यकता है, नीड है और घर में फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह, तो बिल्कुल आप इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट कैंप का हिस्सा बनके अपने लिए अच्छा जॉब जरूर सुनिश्चित कर सकते हैं। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं सब कुछ आपको देखिए हमारे टेलीग्राम प्लस व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। अब चलिए इसी कड़ी में जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट है ना उसको मैं बता देता हूँ। साइड में उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी ओपन हो गया जो कि निकल कर आ रहा है कार्यालय जिला पंचायत बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। अब देखिए इनके द्वारा निम्नलिखित रिक्त पदों पर संविदा भर्ती हेतु 10-10-2024 तक आवेदन वगैरह मंगाए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे यदि पदों के विवरण की बात करें तो सबसे पहला पोस्ट है लेखापाल का जिसके एक पोस्ट विज्ञापित हुए हैं, जबकि दूसरा है डाटा एंट्री ऑपरेटर का जिसका भी एक पोस्ट विज्ञापित हुआ है। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ मैं हमारे टेलीग्राम प्लस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगा, वहां आप जाकर इसे चेकआउट कर सकते हैं। इसी के पश्चात इसी कड़ी में देखिए दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट, साइड में इसका डॉक्यूमेंट शो करूं जो कि निकल कर आ रहा है कार्यालय जिला पंचायत मुंगेली छत्तीसगढ़ से। अब इनके द्वारा देखिए निम्नलिखित रिक्त पदों पर संविदा भर्ती हेतु पुनः 10-10-2024 तक आवेदन वगैरह मंगाए गए हैं। पदों के विवरण की बात करें तो पहला पोस्ट है सहायक प्रोग्रामर का, एक पोस्ट विज्ञापित हुए हैं, दूसरा लेखापाल का, इसका भी एक पोस्ट विज्ञापित हुआ है, तीसरा है डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसका एक पोस्ट, और लास्ट में तकनीकी सहायक का एक पोस्ट यहाँ पे विज्ञापित हुआ। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ मैं हमारे टेलीग्राम प्लस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगा, वहां आप जाकर इसे चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए भर्तियों के कड़ी में तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अपडेट है ना, साइड में इसका डॉक्यूमेंट वगैरह मैं आपको शो कर रहा हूँ जो कि निकल कर आ रहा है छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति भारत वाणिकी एवं कृषि CGCERT शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है इसे। अब देखिए इनके द्वारा निम्नलिखित रिक्त पदों पर संविदा भर्ती हेतु सूचना वगैरह जारी की गई है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले पदों के विवरण की बात करो तो पहला पोस्ट है क्वालिटी मैनेजर का जिसका एक पोस्ट विज्ञापित हुआ है, जिसके लिए आपको जो मंथली सैलरी है वह 35,165 रुपये मिलना है प्लस इंसेंटिव वगैरह भी आपको अलग से मिलेगा। दूसरा पोस्ट है मूल्यांकनकर्ता का, इसका भी एक पोस्ट विज्ञापित हुआ है, मासिक वेतन मिलना है 26,490 प्लस अलग से इंसेंटिव वगैरह मिलना है। तीसरा है फील्ड इंस्पेक्टर का, इसका एक पोस्ट विज्ञापित हुआ है, मासिक वेतन 26,490 रुपये मिलना है प्लस अलग से इंसेंटिव मिलेगा आपको। और लास्ट इंटर्न का पोस्ट है, 5 पोस्ट विज्ञापित हुए हैं, 15,000 प्लस 5,000 रुपये आपको इंसेंटिव वगैरह यहाँ पे मिलना है। बाकी देखिए इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, वॉक इन इंटरव्यू वगैरह होना है, 3 चरणों में यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू होगा। जो पहला चरण है इसके लिए डेट्स है 23-10-2024 का, दूसरा चरण 12-11-2024 और तीसरा चरण 27-11-2024 को आपका वॉक इन इंटरव्यू वगैरह होना है, उसके माध्यम से सिलेक्शन वगैरह होगा। बाकी अधिक जानकारी के लिए पूरा डिटेल नोटिफिकेशन वगैरह मैं हमारे टेलीग्राम प्लस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता हूँ, वहाँ आप जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं।
अब चलेगा दोस्तों, इसके पश्चात जो चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है ना, जिसके लिए मोस्टली जो है हमारे समस्त साथी इस पर्टिकुलर वीडियो पर आए हैं, इस पर भी मैं बात कर लेता हूँ। दरअसल संबंधित है, देखिए 33,000 शिक्षक भर्ती मांग प्लस बीएड वर्सेस डीएड वाला जो विवाद है वो, प्लस तूता मैदान जो कि वर्तमान डेट में एक मैदान जंग बन चुका है। क्योंकि देखिए कुछ भी होता है, कोई भी विवाद उठता है, छात्र या फिर कोई भी व्यक्ति असंतुष्ट होता है तो सीधा कहाँ जा रहा है, तूता। और तूता आज के डेट में मैदान जंग वाकई में बन भी चुका है, बहुत विरोध प्रदर्शन वगैरह वहाँ पे देखने को मिल रहा है और बहुत सी वीडियो क्लिप्स वगैरह भी सोशल मीडिया में निकल कर आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था यहाँ पे, देखिए जो 33,000 शिक्षक भर्ती का मांग था, आप सभी से अधिक जानते हैं ये, इसकी जो शुरुआत है ना, देखिए बहुत भीड़ भड़के के साथ ही हुई थी। पूरे प्रदेश भर से छात्र वहाँ पे दूता में पहुंचे थे शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर, और बहुत देखिए अपना विरोध वगैरह दर्ज भी कराया। लेकिन वर्तमान के डेट तक देखिए छात्र अभी अनिश्चितकालीन आमरण अनशन में बैठे हुए हैं, लेकिन उसके पश्चात भी कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स वगैरह इनको अभी तक नहीं मिला है, ना ही भर्तियों को लेकर कोई प्रॉपर आश्वासन मिला है। तो ये छात्र अभी भी नाराज और आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इन्हीं के साथ देखिए जो बीएड वर्सेस डीएड वाला मामला था, इसको लेकर आप सभी सदी जानते हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय की तरफ से कुछ गाइडलाइंस वगैरह दिए गए थे, जिसको वर्तमान डेट में जो डीएड धारी अभ्यर्थी थे ना, उनको उम्मीद थी कि प्रॉपर वे में फॉलो किया जाएगा और उनके साथ न्याय वगैरह होगा। लेकिन अभी तक देखिए जिस न्याय की ये लोग उम्मीद करके बैठे थे ना कि इनको बहुत जल्द नियुक्ति वगैरह मिलेगी, तो अभी तक इनको कोई नियुक्ति वगैरह नहीं मिली है, जिसको लेकर ये देखिए 2 तारीख से तूता में अनिश्चितकालीन जो धरना वगैरह है उसमें बैठे हुए हैं, और बहुत से प्रदर्शन वगैरह इनके तरफ से भी देखने को मिले, जो कि आगे मैं वीडियो क्लिपिंग में आपको दिखाऊंगा। लेकिन इसी कड़ी में देखिए इस पर्टिकुलर ग्रुप के कुछ छात्र वगैरह रायपुर में डीपीआई कार्यालय में भी पहुंचे थे, कुछ अपने स्तर पर इंक्वायरी वगैरह करने में कि कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स वगैरह है कि नहीं शासन के स्तर पर। तो देखिए जो इनको जानकारी मिली है, जो कि इन्होंने मुझसे साझा की है, मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल देखिए इनको बताया गया है कि जो डीएड धारी एलिजिबल अभ्यर्थी है ना, इनके नियुक्ति संबंधित जो फाइल है ये सीएमओ यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस है ना, वहां पर पहुंच गई है, और वहां से जैसे ही अनुमति वगैरह मिलती है, देखिए आगे जो इनकी नियुक्ति प्रक्रिया वगैरह है ना वह प्रारंभ हो जाएगी। तो एक प्रकार से डीएड धारी अभ्यर्थियों के लिए थोड़ी बहुत राहत की खबर है, पॉजिटिव खबर है। बाकी देखिए जब तक जमीनी स्तर पर कुछ हो नहीं जाता, मैं भी मानता हूँ कि देखिए यहाँ पर पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है। बाकी चलिए इसी बीच ये जो डीएड धारी अभ्यर्थी अपने स्तर पर जो विरोध वगैरह अपना दर्ज करा रहे हैं ना रायपुर के तूता में, वहां से कुछ क्लिपिंग्स वगैरह निकल कर आ रही है, आगे उसको मैं चला देता हूँ, आप लोग अपने स्तर पर भी उस चीज को देखते हुए। चलिएगा जो पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है ना, जिसके आप सभी साथी इस पर्टिकुलर वीडियो पर आए हैं, इस पर भी मैं बात कर लेता हूं। जी हां, ये संबंधित है क्या 600 पदों पर पुनः एक और हॉस्टल वार्डन श्रेणी द भर्ती पार्ट 2 होने वाली है, क्योंकि लगातार आप लोगों की तरफ से इस प्रकार के प्रश्न वगैरह निकल कर आ रहे थे। आज इस वीडियो के माध्यम से इस पूरे प्रश्न का डीएनए टेस्ट हम करने वाले हैं कि इस पर्टिकुलर खबर पर कितनी सच्चाई वगैरह है। इसके लिए सबसे पहले हमको डिपार्टमेंटल डॉक्यूमेंट्स वगैरह खंगालने पड़ेंगे, जिसके आधार पर पूरी स्थिति स्पष्ट होगी। जो पहला डॉक्यूमेंट है ना, मैंने आपको साइड में ओपन करके रखा है, उसके माध्यम से चीजें बताता हूँ। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि 600 पदों पर भर्ती के लिए क्या वाकई में इतने पोस्ट रिक्त हैं या नहीं है, कि सारी बातें हवा हवाई है। तो देखिएगा मैंने सेटअप आधारित जो डॉक्यूमेंट है साइड में ओपन करके रखा है, इसके आधार पर देखिए पूरा सेटअप स्पष्ट होता है कि वर्तमान डेट में, क्योंकि डॉक्यूमेंट 1/4/2024 के एकदम लेटेस्ट डॉक्यूमेंट है, इसके अनुसार देखिए वर्तमान के डेट में हॉस्टल वार्डन श्रेणी द के कुल स्वीकृत पद कितने हैं, 1542 पद स्वीकृत हैं। इनमें से देखिए कितने पदों पर कर्मचारी कार्यरत हैं, तो 536 पदों पर कर्मचारी कार्यरत हैं, यानी कि हॉस्टल वार्डन श्रेणी द के वर्तमान डेट में 1006 पोस्ट रिक्त हैं। अब देखिए जो लेटेस्ट भर्ती निकली है ना, जिसके लिए एग्जाम वगैरह हुआ है, इसके 300 पदों को माइनस करें तो भी 706 पोस्ट जो है रिक्त होते हैं हॉस्टल वार्डन श्रेणी द के वर्तमान के डेट में।
ये बात तो सही है कि 600 पदों पर भर्तियां वगैरह जारी हो सकती हैं। और इस पर्टिकुलर खबर की पुष्टि भी एक और डॉक्यूमेंट करती है जो कि आरटीएस निकली थी। साइड में आपको डॉक्यूमेंट वगैरह शो कर रहा हूँ। अब देखिए आरटीएस से इस पर्टिकुलर मुद्दे पर मिली जानकारी अनुसार आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग में देखिए 300 पदों पर जो भी रिसेंट भर्ती निकली थी ना उसको साइड में करते हुए एक और 600 पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव वगैरह वित्त विभाग को भेजा था, जिसके लिए कुल बजट क्या लगेगा सब लगेगा उसका पूरा ब्यौरा भी भेजा गया था। इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में दे सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ये जो पर्टिकुलर पत्राचार वगैरह चला था ना आदिम जाति विभाग और वित्त विभाग के बीच में, ये पत्राचार चला था 6/9/2023 में। अब ये पर्टिकुलर डेट मैं आपको गौर करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रिसेंट एक और डॉक्यूमेंट वित्त विभाग की तरफ से निकल कर आ रही है। साइड में देखिए मैं आपको शो कर रहा हूँ। इसके अनुसार जनवरी 2024 से पहले जितने भी भर्ती के प्रस्ताव वगैरह देखिए वित्त विभाग पास गए हैं ना सब देखिए निरस्त कर दिए गए हैं, यानी कि जीरो कर दिए गए हैं। आपको पुनः एक प्रस्ताव वगैरह भर्ती को लेकर वित्त विभाग को भेजना पड़ेगा। अब ये पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट मैं आपको शो किया हूँ ना आरटीए वाला जो 600 पदों के लिए प्रस्ताव वगैरह पुनः गया था वित्त विभाग पास, वो देखिए पत्राचार वगैरह 6/9/2023 हुआ, यानी कि जनवरी 2024 के पहले हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है वो पर्टिकुलर जो प्रस्ताव वगैरह है ना वो भी निरस्त हो चुका है और एक नए स्वरूप में प्रस्ताव वगैरह आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को वित्त विभाग को भेजना पड़ेगा। अब इसमें कितना समय लगेगा, क्या लगेगा, नहीं लगेगा और आगे चलकर वित्त विभाग स्वीकृति देगा या नहीं देगा, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि देखिए ये बात तो है कि जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है ना उनको हॉस्टल वार्डन श्रेणी द के पोस्टिंग भर्ती लेने की अति आवश्यकता तो है क्योंकि वर्तमान डेट में जितने कर्मचारी कार्यरत है ना इनके ऊपर मल्टीपल प्रभार का बोझ है, यानी कि बहुत लोड बढ़ा हुआ है उनके ऊपर। तो डिपार्टमेंट को नीड तो है भर्तियां लेने की, लेकिन देखिए अभी पुनः इन लोग एक प्रस्ताव भेजेंगे वित्त विभाग को, फिर उसको कब सहमति मिलेगी नहीं मिलेगी, फिर फाइल मूल विभाग में आएगा, फिर देखिए एक प्रकार से प्रस्ताव वगैरह व्यापम को भेजेंगे। तो बहुत कुछ प्रोसेस बचा हुआ है। और दूसरा चीज ये भी है कि हम लोग जो देखें, देखिए लास्ट टाइम भी हॉस्टल वार्ड भर्ती वर्ष 2016 में हुई थी, उसके पश्चात 2024 में हो रही है, तो काफी टाइम लिमिट चला गया। तो इतने तुरंत तत्काल में सेम भर्ती डबल डबल बार नहीं होती है, इसके लिए ये भर्ती फिर से एकदम तत्काल तुरंत हो मुझे उम्मीद कम लगती है। हालांकि देखिए मैं आप लोग को कहूंगा कि आप लोग जो दूसरे एग्जाम्स वगैरह है ना जो लगभग सेम सिलेबस पर आगे चलकर हो सकते हैं, जैसे कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर हो गया या फिर एडीओ, थोड़ा बहुत सिलेबस तो मैच करता है, आप लोग वहाँ फोकस करें, उसके लिए तैयारी वगैरह करें। समझता हूँ इस बार बहुत लोगों का एग्जाम खराब गया है तो मन खराब है, फिर से उनकी उम्मीदें हैं कि एक और बार भर्ती आ जाए, लेकिन हर चीज आपके हिसाब से मेरे हिसाब से नहीं होता, चीज़ों में समय लगता है। और मैं इसी के लिए हमेशा कहता हूँ कि देखिए जब आपको मौका मिल रहा है ना तो दुनिया भर के पंचायतों में ना पढ़ते हो, जिसके आप लोग मोस्टली देखिए पहले किस में एंगेज थे कि हॉस्टल वन का एग्जाम क्यों नहीं आ रहा है, एग्जाम हो गया तो अभी उसका मॉडल आंसर क्यों नहीं आ रहा है। अरे भैया जिस दिन आपने एग्जाम दिया उसके पश्चात आपको सब कुछ भूल जाना था और दूसरे भर्ती के लिए लग जाना था। आप लोग जबरदस्ती के टेंशन में रहते हो, जबरदस्ती चीज़ों में उलझे रहते हो, इसके लिए आप लोग जो आगे की भर्ती है ना जो आ सकती है वहाँ पे एंगेज नहीं हो पाते, वहाँ फोकस नहीं हो पाते। मैं यही चीज़ कहूँगा कि जबरदस्ती की चीज़ों में ना पढ़ते हुए सिर्फ पढ़ाई करें, एग्जाम क्रैक करें और चुपचाप बैठे। बाकी चलेगा इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारी मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता था। आशा करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और शेयर करते हुए जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी का।